हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है अजय टेक हिंदी में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जो है अपने मोबाइल में OTG कनेक्ट कैसे करा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप आजकल हम लोग जो भी मोबाइल ले रहे हैं एंड्राइड का, उसमें OTG कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख सकते हैं, मार्केट में कहीं भी आप ले सकते हैं, इससे बड़ा भी आता है, ये छोटा सी है फ्रेंड्स, ले सकते हैं आप कहीं से भी, जो है 40-45 रुपए का आपका कहीं भी दुकान पर जो है मोबाइल शॉप पर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही बताऊं, क्योंकि हमारा फ्रेंड कभी देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड लगाना है। मेमोरी कार्ड लगाने के बाद इसमें आपको इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सेट करना है। इस तरह से आपको सेट कर देते हैं तो मोबाइल में जहाँ चार्जर लगता है आप वहाँ पर यदि लगाते हैं, या आपको जो भी मेमोरी कार्ड में इंपॉर्टेंट या मेमोरी कार्ड लगेगा, इंपॉर्टेंट चीज रहता है, उसमें कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके आप अपने मोबाइल में लेकर कहीं भी जाकर प्रिंट कर सकते हैं, प्लस जो भी इंपॉर्टेंट है अपने मोबाइल में ले सकते हैं। तो इसमें हमारे पास मेमोरी नहीं है, तो आज मैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास जो है पेन ड्राइव है, जो कि ये देख सकते हैं इस कंपनी का है, सनडिस्क का। तो आप जो है इसमें लगाएंगे हम, उसके बाद आपको बताएंगे किस तरह से कॉपी करना है, कैसे लगा के। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए आए हैं तो लाल वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियो लाता रहता हूं। ये सब्सक्राइब कर लें तो उसके लिए धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपको बता आ गया हूँ और बताता हूँ कैसे आपको करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको जाना है अपने मोबाइल के सेटिंग में। आपको यहाँ दिख रहा होगा, अपने मोबाइल के सेटिंग में जाने पर, जाने के बाद फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और खोजना है। आप यहाँ देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग, फ्रेंड्स आपको खोजना है अपने मोबाइल में एडिशनल सेटिंग या मोड सेटिंग कहाँ पर है। जाने पर आपको खोज लिए तो उस पर जाइए, आप क्लिक करिए तो यहाँ देख सकते हैं हमारा जो कि ओप्पो का मोबाइल है। तो यहाँ पर एडिशनल सेटिंग पर आप हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा जो स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर दिखेगा OTG कनेक्शन। यदि आपका OTG कनेक्शन ऑफ है, मतलब बंद है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करके चालू कर देना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको जो है ऑन कर देना है, यदि बंद है इसको ऑन कर देना है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे ऑन कर देते हैं। आप ये देख सकते हैं, तो जो है हमारा इस समय ऑन हो गया। अब मैं यदि अपने मोबाइल में पेन ड्राइव या OTG कनेक्शन भी कराऊंगा, जब भी कराऊंगा तो हमारे मोबाइल में OTG कनेक्शन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ऑन कर दिए हैं, उसके बाद अपने मोबाइल में हम OTG जो है कनेक्शन करते हैं। तो आपको दिख सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बैक के, उसके बाद हम यहाँ पर अपने मोबाइल में जो है OTG कनेक्शन हम करा रहे हैं फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं। तो इस समय ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने OTG ऑन किया और कनेक्शन अपना जो है, आपको जो मैं दिखाया था हमारे पास जो सनडिस्क का पेन ड्राइव था, वही मैंने यहाँ पर लगाया हूँ। तो वही जो है USB यहाँ पर आ गया भी था, देख सकते हैं USB स्टोरेज डिवाइस कनेक्टेड। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, इस समय यहाँ पर आ गया। तो ऐसे फ्रेंड्स आपको ऑन करेंगे तो आपका OTG जो है ऑन हो जाएगा। आप जब भी OTG लगाएंगे आपका जो है सपोर्ट करेगा, काम करेगा। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने फ्रेंड्स इसको हटाया तो जो है हमारा जो है OTG कनेक्शन हट गया। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स।